आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम VVM माइक्रो प्रोग्रामिंग पे डिस्कस कर रहे हैं और हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि VVM माइक्रो प्रोग्रामिंग करने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके सामने जो है VVE एडिटर आ गया, आप देख रहे हैं राइट सर? राइट सर। तो VVE एडिटर कैसे आया, हमने डेवलपर टैब में गया और यहाँ विजुअल सी पे क्लिक किया, इसका शॉर्टकट F11 भी है, ए टैब। तो कोड करने के लिए आपके पास VVE प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज और यहाँ आपके सामने प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टीज दो चीज होनी चाहिए जहां से आप नेविगेट कर सके। तो कोडिंग हम जो करेंगे वो C1 पे या C2 पे नहीं करेंगे, कोडिंग जब भी करेंगे मॉड्यूल्स पे करेंगे। मॉड्यूल्स आपको बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा, उसको इंसर्ट करना होता है इंसर्ट में से। अब मॉड्यूल पे ही हम कोड क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि हमारी जो कोड है वो आपकी इस फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होगा और मेरा एक कोड हर सीट से, हर फाइल से रेफरेंस ले सकेगा। अगर मैं कोड C1 पे डबल क्लिक करके कर दूं तो इसकी कोडिंग C1 में ही सेव होगी और कोई अगर इसको डिलीट करेगा तो मेरा कोड भी डिलीट हो जाएगा। दूसरा, किसी और सीट और किसी और फाइल से रेफरेंस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सो हम जब भी कोड करेंगे हम मॉड्यूल्स में करेंगे। दूसरी चीज आती है कि स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पब्लिक सब या फिर हम खुद सब भी सिंपल सब भी ले सकते हैं, दोनों एक ही जैसा है। और फिर माइक्रो का नेम ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ एंड सब होगा, मतलब जो भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे इनके बीच में ही लिखेगा, इससे बाहर नहीं। ट्रिगर करने के लिए यहाँ माइक्रो से हम देखिए आर आगे यहाँ से ट्रिगर करेंगे और ट्रिगर करने का जो तरीका भी बताया था कि हम शॉर्टकट बना लेंगे, एक बटन पर साइन कर देंगे। रन करते समय टेस्ट करने के लिए आपके सामने तीन ट्रिगर ऑप्शंस हैं। सबसे पहला रन कर सकते हैं, यहाँ से पॉज कर सकते हैं या फिर एरर आ गया तो वापस इसको रीसेट कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है माइक्रो के नेम की। देखिए माइक्रो नेम में याद रखिएगा कि किसी भी तरह का डेसिमल डैश स्लैश मतलब कि स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। इस तरह के नाम जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इनके बीच में आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो पहले चीज ध्यान रखिए कि आप किसी भी तरह का नेम जो है नेम के अंदर में स्पेशल करेक्टर नहीं दे सकते, राइट सर? तो आप अपने माइक्रोज के अंदर जब माइक्रो आप लिखेंगे तो किसी भी तरह का स्पेशल करैक्टर नहीं होना चाहिए, पहली प्रॉब्लम। दूसरी कि आप 3 डिजिट में अल्फा न्यूमेरिक नहीं दे सकते। जैसे कि मान लीजिए हम लिख देते हैं राज1, अब ये राज1 जो है ये राज1 आपका नाम गलत है। आप पूछेंगे सर गलत क्यों है, सर क्या लग रहा है क्यों गलत है? वन नहीं आना चाहिए इसमें क्योंकि ये वन ऑलरेडी इसमें शायद डिफाइंड है, ऑलरेडी इसके कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज में ये सब डिफाइंड है, वैसे ही वन भी नहीं पता है या फिर ऐसे अंदाज दे रहे हैं? नहीं मैं ऐसे गेस कर रहा हूँ सर क्योंकि ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है ना, वही ब्लू कलर वन का भी है। एक चीज यहां पे जान लीजिए, मेरे साथ ही नहीं किसी भी टीचर के साथ आप कभी गेस मत कीजिए। नहीं मैंने इस बेस पे किया ना सर, दोनों के कलर से मैं सर आपको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको चीजें आती है तो आप बोले, नहीं तो गेस करेंगे तो क्या होगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीज आती है मैं आपको बताऊंगा, तो हो सकता है उसकी डिटेल्स में आपको ना पता हो, बस थोड़ा थोड़ा बहुत बताओ तो डिटेल से तो गुम जाएंगे ना। और मेरे साथ किसी भी टीचर के साथ हर कोई को यही बिहेव रखना चाहिए कि अगर आपको आता है तो आप रखें और अगर नहीं आता है तो आप बोले कि सर नहीं आता है डिटेलिंग बताइए, क्योंकि डिटेलिंग भी जाएगी और हर टीचर का ये फर्ज बनता है कि अगर आपको नहीं आता है तो आपको अच्छे तरीके से समझाए, न कि आपके ऊपर इतनी छोटी चीज क्यों नहीं आती है ऐसा ना कहे, ठीक है ना सर? चलिए डोंट मेंशन सर, दिल में मत लीजिएगा। हेलो
हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो न्यूमेरिक जो है ना नेम जो है ये जो राज देखिए यहाँ पे आप गलत थे। देखिए यहाँ पे राज वन दिखते हैं ना यहाँ पे राज वन नाम का आपका रेफरेंस है ना राज वन। तो आपके पास थ्री डिजिट में कॉलम के नेम होते हैं तो थ्री कैरेक्टर में तो थ्री कैरेक्टर और न्यूमेरिक कोड नहीं रखना चाहिए और रेफरेंस हो जाता है। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है कि जब आप रन करने के लिए जाएंगे तो रन बटन डिसेबल हो जाएगा सीधे आपको वहां पे वो डिली डायरेक्ट कर देगा। समझ गया सर? राइट सर। गुस्सा तो नहीं सर? ना सर कैसी बात कर रहे हैं, मजाक कर रहा था सर, बीच बीच में मजाक करना जरूरी होता है ना सर, पता चला कि रात के 10 बजने वाले हैं और सो गए आप, हम पढ़ा रहे हैं आप सो गए। चलिए क्योंकि थ्योरी क्लास में ऐसी बोरिंग होती है ना, ये समझ में आ गई आपको? हाँ क्लियर है सर। एक्रोनिम में आप कभी भी स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द स्पेस नहीं डालेंगे, थ्री कैरेक्टर में नहीं डालेंगे। हाँ राजा या राजू वन है तो चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज एक नाम के दो मैक्रोड नहीं हो सकते, जैसे आरआर मैंने डिफाइन कर दिया तो नीचे मैं आरआर डिफाइन करूंगा तो अभी तो बन जाएगा पर रन करते समय ये आपको बता कि आर्गुमेंट नेम डिटेक्टेड आरआर, ठीक है। इसलिए एक नाम के दो मैक्रो एक फाइल में नहीं होने चाहिए। तो मैक्रो डिफाइन करना आ गया सर आपको? हाँ जी सर। यस सर। तो नहीं है? नहीं क्लियर है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ इंसर्ट प्रोड्यूसर पे चले जाए, मैक्रो नेम दे एंड ओके कर दे, यहाँ से भी डिफाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ, ऑलरेडी आर था, प्रोड्यूसर में आर ई कर दिया एंड ओके। अब देखिए यहाँ पे मेरा हो गया। दूसरा इसमें एक चीज और है, मान लीजिए मैं प्रोड्यूशन में मुझे फंक्शंस करना है तो फंक्शंस क्लिक कर लिया और ओके किया, देखिए हमारा फंक्शंस डिफाइन हो गया। एक हमारा होता है ए प्रॉपर्टी हो गया, ये हमारा प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाता है, समझे? प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में बताएंगे। फंक्शन तो थोड़ी देर पहले क्लास में देखा ही था कि मैंने नया फॉर्मूला बनाया था। हाँ जी सर। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम यहाँ पे पहला लाइन क्या लिखे, मैंने कोडिंग कैसे करें, हमने तो बनाना सीख लिया अब इसके अंदर कोडिंग कैसे सीखे, क्या लिखें हम? क्या सर? तो इसके लिए आपको जानना होगा एल्गोरिदम, क्योंकि उससे पहले जान जाइए कि मोस्टली लाइन का जो फर्स्ट वर्ड होता है चार में से एक होता है, एप्लीकेशन वर्क बुक्स यहाँ पे शीट्स एंड रेंज, ये चार कैटेगरीज है। खा तो एप्लीकेशन उससे स्टार्ट होगा कोड आपका, या वर्कबुक से, या शीट से, या फिर रेंज से। अब बोलेंगे सर हमने तो देखे हैं इसमें सेल्स भी देखे हैं, एक्टिव सेल्स भी देखे हैं, इन्हीं के अल्टरनेटिव नेम है। सिर्फ वर्कबुक का अल्टरनेटिव है एक्टिव वर्क बुक, ऐसे आपका रेंज का अल्टरनेटिव क्या है यहाँ पे एक्टिव शीट, और रेंज के कई सारे हैं, जैसे कि रेंज का है आपका एक्टिव सेल सिलेक्शन और यहां पे सेल्स, ये चार नेम तो इन्हीं एक डिपेंड करेगा। अब इन चारों की चार कैटेगरी हैं, अब चार में से कौन एक होगा वो आपके यूजेस के ऊपर डिपेंड करेगा, और इनके सब्स्टिट्यूट में से कौन सा होगा उस यूजेस की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। कैसे पता चलेगा सिचुएशन, कैसे पता चलेगा सिचुएशन के बारे में तो आपको पता चल बाद में बताता हूं। हम बात करते हैं कि मैं रेन सीड्स वर्कबुक एप्लीकेशन में से कौन सा लाइन यूज करूं, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एल्गोरिथम। जैसे मान लीजिए कि मुझे ए वन पे जाना है, यहाँ पे नेम लिखना, B1 पे मुझे रोल नंबर लिखना है, C1 पे मुझे मार्क्स लिखना है। इसकी प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको इसका एल्गोरिथम एल्गो तैयार करना होगा, जैसे कि स्टार्ट एक्ट A1 एंटर नेम
flat b1 and the roll select c1 enter marks. अब बोलेंगे सर ये क्या है. देखिए कभी प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के कई स्टेप्स होते हैं. पहला होता है एनालिसिस, दूसरा होता है एल्गो, एल्गोरिथम, तीसरा होता है कोड, चौथा होता है टेस्ट. टेस्ट अगर टेस्ट में आ रहा है तो ये हमारा री कोड होगा, फिर यहां पे आता है री टेस्ट. एक कब तक चलता है जब तक कि ओके ना हो जाए, देन अप्लाई. तो इसे वीवीए नहीं, किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको एनालिसिस करके छोटा वे और सटीक वे निकालना होगा, फिर उसकी स्टेप तैयार करने होंगे. क्या है कि वीवीए में एक काम के लिए एक ही कोड लिखना पड़ता है. जैसे आपको सेलेक्ट करना है, आपको नाम लिखना है, तो इसको दो लाइन में लिखना पड़ेगा. पहला कि इस पे कर्सर जाए और दूसरा इस पे वैल्यू एंटर. ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा और सीक्वेंस में. आप पहले एंटर कर दिए फिर कॉपी सिलेक्शन किए तो गड़बड़ हो जाएगी. जैसे आपने पहले सिलेक्शन किया फिर पिवट लगाया, ये तो ठीक है, बट आपने पिवट लगा के फिर डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये तो आपको गड़बड़ हो गई ना. तो ये आपका स्टेप इसी चीज के लिए होता है. अब बोलेंगे सर हम तो जनरली याद ही होता है. देखिए आप अपने लिए कुछ बना रहे हैं, अगर आप अपने लिए कुछ बना रहे हैं तो ठीक है, आप अपने हिसाब से इसका यूज कर लीजिए. लेकिन अगर आप किसी और चीज के लिए किसी और के, जैसे मान लीजिए कि ललित जी ने मुझे बोला कि सर मेरा एक माइक्रो ऑटोमेट कर दीजिए. अब प्रॉब्लम क्या है कि वो माइक्रो के बारे में बताए कि सर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं काम ऐसा होता है, यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ती है, इस फाइल को ओपन करना पड़ता है, इसको क्लोज करना पड़ता है, मैं सुना हूँ कर दिया. अब मुझे क्या सारी चीजें याद रहेगी? नहीं सर. जैसे बोलते जाएंगे हम के स्टेप्स को नोट करते जाएंगे पहले चीज, और स्टेप्स को नोट करेंगे और फिर उसको वापस एल्गोरिथम में कन्वर्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि कुछ छूट न जाए, कंडीशंस वगैरह डाल देंगे और हम उसी समय नजर मार लेंगे कि उसमें किस किस लाइन का कोड मुझे पता है और किस लाइन का कोड नहीं पता है, तो हम उसमें उसी समय रिसर्च करेंगे. कोड करते समय हम लोग अटकेंगे नहीं. समझ गए? हेलो. हाँ जी क्लियर है सर. इससे एल्गोरिथम बनाना जरूरी है आपको. चलिए अब मैं इसका हो गया, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट ए वन, तो मैं एक नीचे मार्क लगाता हूँ. यहाँ पे लिखूंगा अब ए वन के, अब कैसे डिसाइड होगा कि इन चारों में से कौन सा होगा? तो हमने बोला सिलेक्ट ए वन. ए वन क्या हो गया? रेंज, मतलब कि रेंज को इफेक्ट कर रहा है. और तो यहाँ पे हम रेंज लिखेंगे. अब ए वन सिचुएशन में हम रेंज लू, एक्टिव सेल लू, सिलेक्शन लू, सेल्स. तो यहाँ पे क्या है कि ए वन मुझे पता है कि ए वन पे जाना है, तो यहाँ पे हम रेंज लेंगे ए वन. ठीक है सर. यहाँ पे एंटर नेम, मुझे अब एंटर नेम करना है, तो यहाँ पे अब सिचुएशन क्या बन गई है, जो सिलेक्ट है उस पे नेम एंटर करना है. तो यहाँ पे हम रेंज की सिलेक्शन पार्ट को लेंगे, क्योंकि तो यहाँ पे मुझे एड्रेस नहीं पता है इस लाइन पे. मुझे पता है कि इससे ऊपर वाला कोड ने जिस रेंज को सिलेक्ट किया है उस पे जाके वैल्यू डालना है. Okay. इस तरह से कोड डिसाइड करेंगे और इस तरह से कोड को हम लिखेंगे. और यहां पे नेम के जगह पे कॉल और इसके जगह पे मार्क. राइट सर.
क्रिएट न्यू फाइल, सेव इन डी ड्राइव 2020 नेम एक्सेलेंस, ठीक है। एड न्यू शीट्स एज ए नेम एज ए डेटा। अब यहां पे देखिए अरविंदोन में भी दिक्कत होती है, जैसे क्रिएट ए न्यू फाइल, ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे ऊपर में इसी ऊपर रहते हैं, तो क्रिएट एक फाइल क्रिएट हो रही है, तो हम यहाँ पे वर्कबुक लेंगे, एक नई फाइल क्रिएट हो रही है, तो हम यहाँ पे वर्कबुक का कोड डालेंगे workbooks.add। फिर बात हो रही है कि उस फाइल को सेव करना है इस नाम से। अब जो अब यहाँ पे मैं वर्कबुक नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे किस फाइल को सेव करना है उस फाइल की पर्टिकुलर फाइल का नेम नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि जो फाइल ऐड हुई है उसी को सेव करना है। तो यहाँ पे सिचुएशन में हमने देखा कि हमें उसी फाइल को सेव करना है, और जाहिर सी बात है जो फाइल ऐड होती है वही एक्टिव होती है, हाँ करेक्ट। तो यहां पे हम एक्टिव वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे, यहां लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट बुक्स हो गया बुक डॉट सेव एज, और यहां पे हमारा डी ड्राइव के अंदर में /2020/123.xls। ये बात है इन बड़ों में आएगा टेक्स्ट में। उसके बाद अगला वो कहता है कि अब यहां पे देखिए ऐड न्यू शीट एज ए डेटा। अब यहां पे दो चीजें हैं कि हमें सीट भी ऐड करनी है, हमें रिनेम भी करना है, क्योंकि हम जब सीट ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद नेम चेंज करते हैं ना डेटा। तो आपको एल्गोरिथम भी चेक करना होगा कि जो स्टेप है क्या एक लाइन का या दो लाइन का है। ये दो लाइन का स्टेप है, दो लाइन का स्टेप है, दो लाइन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे sheets.add, यहाँ पे activesheet.name, एक्टिव शीट क्यों दिया, जो सीट ऐड होगी वही पता होगा, ये तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है, ठीक है सर। अगर एडवांस प्रोग्रामिंग हम करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे देख लेंगे कि भाई क्रिएट करके उस फाइल को सेव करना है, तो इन दोनों एल्गोरिथम का हम एक एक कोड भी कर सकते हैं। कैसे? या हम डायरेक्ट ऐड सेव करते हुए भी ऐड कर सकते हैं, ओके, ये चीजें बाद में आपको बताएंगे सर, ठीक है सर। फिलहाल समझ जाइए हर लाइन के लिए एक अलग अलग प्रोग्रामिंग होती है, तो आपकी प्रोग्रामिंग किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी एल्गोरिथम पे ना सर, राइट सर। तो एल्गोरिथम में आपको क्या डिफाइन करना है, डिफाइन करना है पहले जानना होगा कि स्टेप तोड़ना कि ये सिंगल स्टेप है या डबल स्टेप है, जैसे ये देखिए ना ये डबल स्टेप हो गया ना, राइट सर। तो हमें दो बार में लिखना चाहिए था एल्गोरिथम, बिल्कुल, तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, हालांकि सिंगल में भी हो सकता है। तो आपको एल्गोरिथम लिखना है, एक डायरी लेना है, इसको किसी एक्सेल फाइल में या नहीं लिखना है। अब आप यहाँ पे हैबिट रखिए कि आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाए तो जब भी कोई मैक्रो आप बनाते हैं समझे, तो उसको आप डायरी में लिखा कीजिए, ठीक सर, क्योंकि आप अपने सिस्टम में लिखेंगे तो उसको ऑफिस में लेके थोड़ी जाएंगे और हर चीज आपको याद थोड़ी रहेगी। जैसे मान लीजिए ना कि आपको मेल बॉडी पे डेटा को पेस्ट करके मेल भेजने वाला आपने एक कोड मुझसे सीखा था और आपने उसकी प्रैक्टिस दी थी, बट उसकी कुछ लाइंस आप भूल रहे, आप घर के पीसी में था तो घर के पीसी उठा के लैपटॉप ले थोड़ी ले जाएंगे ऑफिस में, या पिछले ऑफिस में आपने किया था,
कोड्स की नोट्स रखेंगे, डायरी रखेंगे, तो डायरी तो ऑफिस में ले जा सकते हैं ना, आप पेज और देख लेंगे क्या। बिल्कुल वहां इंटरनेट की फैसिलिटी हुई तो गूगल सर्च करेंगे, गूगल ना मिला तो सही बात है। तो ए हैबिट रखिएगा, तो आज से ही आप शुरू कर दीजिएगा कि जब भी कोई कोड लिखे, जब भी कोई प्रोग्राम आपको लिखना है, सबसे पहले उसकी एल्गोरिथम तैयार करें, ठीक है, और फिर उसी एल्गोरिथम के सामने उसका कोड लिखिए। अब जिसका कोड नहीं आता है तो रिसर्च कर, उससे क्या हो जाएगा कि आप पहले ही बता देंगे कि इस मैक्रो को मैं कितना हद तक बना सकता हूँ और कौन कौन चीजें मैं नहीं बना सकता, तो किस किस पे रिसर्च करना। राइट सर, ये आपका एल्गोरिथम जो है आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। क्या बोलना अभिषेक जी? यस सर, बोला हमने राइट। अब यहाँ पे जैसे कि एनालिसिस तो समझ में आया आपको कि पहले हम पहले प्रॉब्लम को समझ लेंगे, एल्गोरिथम आया, कोड आया, टेस्ट भी आया, गड़बड़ होगी तो रिकोड भी करेंगे, फिर डी टेस्ट भी करेंगे, देन अप्लाई क्या है। अप्लाई में क्या है कि आपने मैक्रो बना दिया, एक तो आप अपने लिए मैक्रो बनाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने मैक्रो किसी और के लिए बुलाया तो उसको अप्लाई के लिए देना होगा ना कि कैसे उसको अप्लाई करना है, क्या सर? राइट सर, आप लोग अप्लाई में क्या बता दूंगा कि मैक्रो में जाए और रन कर ले, लेकिन दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपको पिवट का मैक्रो बनाना है तो रन करने से पहले आपको उसको आपको क्या बोलना होगा कि डेटा सिलेक्ट कर लो, या फिर डेटा सिलेक्ट करने का कोड आपको मैक्रो में लिखना पड़ेगा, उससे आपका मैक्रो बड़ा हो जाएगा क्या। राइट सर, ऐसे हम एक रिपोर्ट बनाते हैं तो एक रिपोर्ट में हम एक मैक्रो से नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे जो हमने कोड लिखा है इसकी लिमिटेशंस है कि इसकी जो साइज है 255 KB से अगर बड़ा हुआ तो मेरा मैक्रो रन ही नहीं करेगा। ओके, अगर इससे बड़ा हुआ तो मेरा मैक्रो रन ही नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ के मैक्रो बनाएंगे। अब उससे दिक्कत क्या होगी कि कोड मैक्रो को पहले रन करना है, कोड मैक्रो को बाद में रन करना है, इसकी कंफ्यूजन आपके मैक्रो यूज करने वालों को हो जाएगी। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम अप्लाई के लिए एक स्टेप तैयार कर सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यूजर फॉर्म, समझे? ओके सर, सर एक बार वो 255 केबी वाला आपने क्या बताया था, एक बार फिर से बताएंगे प्लीज? एक मैक्रो की साइज 255 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके सर, जब रन करेंगे तो बताएगा प्रोसीजर टू लॉन्च, तो ये जो है ना इसकी साइज, क्योंकि जो आपने लिखा है एक कुछ ना कुछ तो साइज स्पेस गैप किया है ना, कैप्चर किया। हां जी हां जी, 255 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? राइट सर, विदाउट इसमें नहीं सर। सर अगर हमें पता करना हो कि ये जो कोड लिखा है हमने उसका साइज कितना है तो ये भी से पता कर सकते हैं हम? सर इसके पता करने कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन जैसे 255 के बीच बाद रन ही नहीं होगा, ऑटोमेटिक रन ही नहीं होगा। हाँ, वो प्रोसीजर टू लार्ज का स्पेलिंग देगा, एरर देगा। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर रन करता हूँ तो कंपाइल एरर देता है, कंपाइलर मतलब कि इसने कंपाइल ही नहीं किया। दूसरी चीज, जब हम कोड लिखते हैं तो उस कोड के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है मेंबर। अगर आम भाषा में बोले तो होता है लोकेशन और एक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए वर्कबुक्स और ऐड, लोकेशन क्या है वर्कबुक, करना क्या है ऐसी एक्टिव वर्कबुक, लोकेशन एक्टिव वर्कबुक, लोकेशन कर लीजिए, मेंबर कर लीजिए, ये आपका एक्शन हुआ, मतलब कि एक्टिव वर्कबुक पे सेव करना है। और इसकी डिटेल्स, तो बेसिकली चार चार तरह के जो है कोड के पार्ट होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्ट, फिर ब्रैकेट में होता है ऑब्जेक्ट की डिटेल, जैसे कि यहाँ पे रेंज ऑब्जेक्ट है और ब्रैकेट में आपके पास ऑब्जेक्ट की डिटेल है, मतलब कि कौन सा ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है मेंबर और मेंबर की डिटेल, इसकी मेंबर सेम है और मेंबर की डिटेल क्या है,
ये आपकी एंट्री पाथ। तो चार पार्ट ही होते हैं हर कोड के, समझे? राइट सर। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको मैं एक आर्टिकल बता रहा हूं पढ़ने के लिए, जो कि आपको पढ़ना है। आर्टिकल क्या है, क्या है बताता हूं आपको, वो है excel-vva.com। ये मेरा आर्टिकल नहीं है, मेरा कोई साइट नहीं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं कि बहुत साल पहले जब मैंने इसको शुरू की थी पढ़ना, वीवीए सीखना शुरू किया था, तो मैंने इससे बहुत कुछ सीखा था, समझे? Yes, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, आप जितना हो सके उतना पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है इसमें, ठीक है? ठीक है सर। साइट का नेम सिंपल है, याद रहेगा? हाँ जी, excel-vva.com, excel-vva.com, excel-vva.com। ठीक है सर? ठीक है सर। इसको स्टडी कीजिए। कल हम से आपकी कोड कंसेप्ट की क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे थे। कल हम बात वन बाय वन एक कोड को समझेंगे। पहले बात कोड को समझेंगे, यहाँ पे हम वर्कबुक को, देन समझेंगे शीट्स को, देन समझेंगे रेंज को। अब एप्लीकेशन क्यों छोड़ दिया, तो एप्लीकेशन थोड़ा सा एडवांस है, इसको हम बाद में समझेंगे या बीच बीच में समझते रहे, ठीक है? ठीक है सर। और हम समझिए कि एक तरह से बेसिक एक्सेल स्टार्ट करेंगे वीवीए के थ्रू। मतलब कि आपने नॉर्मल जो एक्सेल यूज किया था, वो यूज किया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से, और अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की मदद से, ठीक है? ठीक है सर। प्रैक्टिस करते रहे, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, गुड नाइट सर। एक क्वेश्चन था सर। पूछिए सर। ये जो हमारी क्लासेस हैं, ये जैसे मैंने अभी